I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing. Assalamu alaikum, dosto. आज हमारी वीडियो का टॉपिक है हैंडीकैप बर्ड्स जो होते हैं, मतलब जिनमें कुछ जेनेटिकली या फिर किसी चीज़ की वजह से कोई कमी आ जाती है। जिस तरह मतलब आप ये मेरा सामने बर्ड देख सकते हैं, बस इसका मेल है, तो इसके पैर को छिपलक ने या शायद चूहे ने काट लिया था, जिसकी वजह से इसका एक पैर नहीं है। तो अब बात करते हैं कि इनके ब्रीडिंग के बारे में, क्या आप हैंडीकैप जो बर्ड्स होते हैं उनसे ब्रीड ले सकते हैं या नहीं। तो मैं अभी इसको पकड़ कर बताता हूँ कि इसमें क्या कमी है। तो आप देख सकते हैं कि इसका एक साइड का जो लेफ्ट साइड का पैर है उसमें ना ही उंगलियाँ है और ना ही कुछ है। राइट साइड का पैर तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो लेफ्ट साइड का पैर है इस साइड में, ये यहाँ पर, उसमें तो एक भी उंगली नहीं है। तो क्या ऐसे बर्ड से ब्रीड लेना सही है, क्या ऐसे बर्ड से हम ब्रीड ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो इसमें दोस्तों दो पॉइंट आते हैं। एक तो ये कि अगर बर्ड्स में कोई जेनेटिकली प्रॉब्लम होगा उस तरह के बर्ड्स आते हैं, और एक प्रॉब्लम आता है कि मतलब चूहे ने या किसी और चीज़ ने ना इसको काट लिया हो या इसके पैर को खा लिया हो। तो ये दो तरह के प्रॉब्लम आते हैं। यहाँ पर थोड़ा बर्ड्स का आवाज़ ज़्यादा है, थोड़ा ऊपर चलकर बात करते हैं फ्रेंड्स। हाँ तो ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर बात करते हैं। वहाँ पर बर्ड्स का कुछ आवाज़ ज़्यादा ही हो रहा था, तो इसलिए सोचा कि यहाँ पर ऊपर आकर बात करते हैं। तो मैं बोल रहा था कि मतलब हम बात कर रहे थे कि बर्ड्स में जो प्रॉब्लम्स होती है दो तरह की होती है। जैसे कि एक होता है जेनेटिकली, कि मतलब पैदाइशी से लेकर मतलब जो उसकी ब्लड लाइन होती है तो उसमें ही कुछ कमी होती है, जिसकी वजह से वो हैंडीकैप पैदा होता है। और दूसरी प्रॉब्लम होती है कि बर्ड को किसी ने काट लिया हो, मतलब जैसे चूहे ने या बिल्ली ने या फिर चिपलक ने वगैरह, उसको कुछ डैमेज किया हो, जैसे उसके विंग्स को, फ्लाइंग विंग्स को, या फिर उसके पैरों को, उसके नखून को। तो ये दो तरह के प्रॉब्लम होते हैं। तो पहले बात करते हैं जेनेटिकली, कि अगर जेनेटिकली उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो वैसे बर्ड से आप ब्रीड बिल्कुल भी ना ले, क्योंकि अगर प्रॉब्लम उसमें है जेनेटिकली, ब्लड लाइन में उसके प्रॉब्लम है, तो श्योर के उसके जो बच्चे होंगे उनमें भी वो प्रॉब्लम आगे बढ़ सकती है। तो इसलिए ऐसे बर्ड से बिल्कुल ब्रीड ना ले। और फिर बात करते हैं कि जो काट जिस बर्ड को मतलब दूसरी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, कि जिस बर्ड को चूहे ने बिल्ली ने काट लिया हो, पैर नहीं हो या दूसरा कुछ हो, तो ऐसा बर्ड अगर आपको लगता है कि वो ब्रीड कर सकता है, सही से मेटिंग कर सकता है, तो ऐसे बर्ड से ब्रीड लेना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो मैं अभी आपको सबूत के साथ बताता हूँ। मैंने भी अपने एक बर्ड से, उसी तरह का बर्ड है जो मेरा पहले मेल था, वो काफ़ी अच्छा था, ब्रीडर मेल था, लेकिन चिपलक ने उसके पैर को काट लिया था, तो जिसकी वजह से उसका पैर बिल्कुल भी नहीं, जो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वो वाला बर्ड है। तो उससे मैंने ब्रीड लिया और माशाल्लाह से उसने ब्रीड कर दो बच्चे भी निकाले, और वो मैं अभी आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। तो ऐसे बर्ड से आप ब्रीड ले सकते हैं, लेकिन जो जेनेटिक प्रॉब्लम होते हैं तो उस बर्ड से आप बिल्कुल भी ब्रीड न ले, कि अगर जेनेटिकली उसको प्रॉब्लम होगी तो आप उसको चाहे कितनी भी अच्छी से अच्छी मेडिसिन, कैल्शियम वगैरह कुछ क्यों ना दो, उसके बच्चों में आगे जाकर कुछ ना कुछ कमी आएंगी ही। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है, इसलिए जेनेटिकली जो हैंडीकैप होते हैं उनको, उनसे आप ब्रीड ना लें। तो अभी मैं आपको नीचे जाकर मेरा बर्ड और उसके बच्चे वगैरह दिखाता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आप देख जैसे कि देख सकते हैं कि ये जो मेरा मेल है उसको, इसके पैर को काट लिया था चिपलक ने, तो ये माशाल्लाह से है तो सही सलामत, लेकिन इसके सिर्फ पैर नहीं है, लेकिन इसने माशाल्लाह से ब्रीड की हुई। और इसके अभी मैं आपको बच्चे बताता हूँ, ये एक बच्चा है जो कि अभी बड़ा हुआ है, और ऐसा नहीं कि इसने फर्स्ट टाइम मेरे यहाँ पर ब्रीड की है, इसने पहले भी मेरे यहाँ पर ब्रीड की हुई है, मतलब पैर ना होने के बावजूद भी। लेकिन एक बात का आपको ख्याल रखना होगा कि इनको सेपरेट रखना होगा, क्योंकि कॉलोनी वगैरह में रखेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम दे सकते हैं। और एक बच्चा देख सकते हैं कि ये जो मटकी में, ये भी इसी का बच्चा है, माशाल्लाह से दो बच्चे निकाले इसने, पाँच अंडे थे लेकिन सिर्फ दो ही बच्चे निकाले, क्योंकि ह्यूमिडिटी का बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है अभी फ़िलहाल तो क्लाइमेट वगैरह की वजह से। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से इसने मतलब पैर ना होने के बावजूद भी ब्रीड की हुई है। आप देख सकते हैं कि इसका लेफ्ट साइड का एक पैर बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी इसने ब्रीड की हुई है। तो आप ऐसे बर्ड से ब्रीड ले सकते हैं। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है,
लेकिन अगर आपको लगता है कि बर्ड ब्रीड करेगा तो आप ऐसे बर्ड से ब्रीड कर ले सकते हैं। लेकिन अगर जेनेटिकली, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम होगा, तो आप ऐसे बर्ड से बिल्कुल भी ब्रीड न लें। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो एक लाइक कर दे वीडियो को, और फिर वीडियो के नीचे कमेंट कर दे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और फिर उसी के साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे हमारे चैनल के साथ। और जो सब्सक्राइब के बाजू में, बटन के बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दे, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं अगर कोई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सीधे डायरेक्टली मिल जाए। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।